फ्रेंड्स, आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये एक कप दूध उबालने रख दिया है और इसी के साथ मैंने ये हाफ कप ऑरेंज ले लिए, ऑरेंज पल्प ले लिए हैं जो फ्रोजन नहीं है, फ्रेश पल्प है। और उसी के साथ मैंने ये मलाई ले ली है, फ्रेश मलाई, जो घर में दूध में मलाई आती है वो मलाई ले ली है। ये एक दिन की मलाई है, तो एक बार हम दूध में उबाल आने देते हैं फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये मैंने मलाई और ऑरेंज पल्प को एक फूड प्रोसेसर में डाल दिया है और हम इसको एक बार सारा मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में कर लें ये काम। बस इस बात का ध्यान रखें कि मिक्सी को ज़्यादा ना चलाएं, वरना मलाई का मक्खन बन जाएगा और रेसिपी ख़राब हो जाएगी हमारी। दूध में उबाल आ गया है, मैं इसमें धागे वाली मिश्री का पाउडर डालूंगी, आप चाहे तो चीनी डाल लें। मैंने इसमें टोटल 4 टेबल स्पून धागे वाली मिश्री का पाउडर डाल लिया है, तो इसको भी एक बार मिला लेंगे अच्छे से। सारी मिश्री इसमें घुल गई है, अच्छे से डिजोल्व हो गई है। तो अब हम ये मलाई वाला बैटर इसमें डाल देंगे। ये ऑरेंज पल्प है, खटाई है, इसलिए ये दूध फटेगा, तो इस बात से आप बिल्कुल घबराए नहीं कि दूध तो फट गया। अब ये बैटर हम इसमें डाल देंगे। और इसको अब हम मीडियम फ्लेम करके लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, ये सारा दूध कर्डल हो गया, ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये दाने दाने हो गए। तो अब हम इसका सारा जो इसका पानी निकला है ना कर्डल होके, वो पानी हमें जला देना है और फ्लेम को मीडियम रखते हुए जला लें ताकि जल्दी हो जाएगा ये काम। तो ये देखिए, अब इसका काफ़ी पानी जल चुका है, तो अब इस स्टेज पे हम इसको लगातार चलाते हुए भुनेंगे, वरना ये सारा नीचे लग जाएगा तले में। तो ये देखिए, ये पूरा अच्छे से भुन गया, ये देखिए, ये तला भी छोटा लग गया है इसका पैन का। तो अब ये सेट होने के लिए रेडी है। मैं इसमें 1-2 बूंद ऑरेंज फूड कलर की डालूंगी ताकि इसमें थोड़ा अच्छा कलर आ जाए। और अच्छे से इसको चम्मच की मदद से मसलते हुए मिला लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको एक ग्रीस की हुई प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, चम्मच की मदद से मैंने इसको ग्रीस की हुई प्लेट में सेट कर दिया है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ही सेट होने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे भी आसानी से सेट हो जाएगा। तो अब ये हमारा ऑरेंज का मिल्क केक सेट होके रेडी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए, और एकदम दानेदार बना है। नज़दीक से दिखाती हूँ आपको, एकदम दानेदार बना है ये। तो आप भी ऐसे इजी वे में ये दानेदार ऑरेंज मिल्क केक घर पे बनाइए। मलाई डालना या ना डालना ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, सिर्फ दूध से ही बनाएं इसे और इसको इंजॉय करें। थैंक यू।